बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू संलीन रेसिपी। आज मैं आपको हॉट एंड सावर सूप बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, गार्लिक चॉप 1 टेबलस्पून, जिंजर चॉप 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली चॉप 3 to 4, बोनलेस चिकन 250 ग्राम, ब्रॉथ यानी कि यखनी 2 लीटर, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 4 टेबलस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, कैबेज 1.5 कप, कैरेट 1 कप, बेबी कॉर्न 5 to 6 स्लाइस, पार्सले 3 टेबलस्पून, आप पार्सले की बजाय कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, रोजमेरी चॉप 1/2 टेबलस्पून, ग्रीन अनियन लीफ 1/2 कप, एग्स 2 मीडियम, कॉर्नफ्लावर 6 टेबलस्पून, वाटर 1/2 कप। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगी, आप ऑलिव ऑयल की बजाय कोई और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें गार्लिक डाल दूंगी और ये जिंजर, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें ये चिकन ऐड कर दूंगी और इसको हल्का सा भून लें। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 लीटर यखनी है। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप 2 चिकन क्यूब्स ले लें और 2 लीटर वाटर ऐड कर लें, तो आप यखनी के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यखनी बनाएंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए, यखनी डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें वाइट पेपर डाल रही हूँ, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, विनेगर, लेमन जूस, सोया सॉस। अब आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। और मैं इसको अब बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, तो जैसे ये बॉईल होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यखनी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं इसमें कैबेज ऐड कर दूँगी और ये कैरेट्स ऐड कर दूँगी मैं, बेबी कॉर्न्स, ग्रीन हर्ब्स। मैं पार्सले यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप कोरिएंडर भी यूज़ कर सकते हैं, पार्सले जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब मैं इसमें रोजमेरी ऐड करूँगी। ये देखिए, मार्केट में आपको दोनों इजीली मिल जाएंगी, एक आपको पैकेट में ड्राई मिलेगी और एक ये फ्रेश रोजमेरी है। दोनों में से आपको जो भी अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिए। मैं अभी यहाँ पे ड्राई यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और इसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे मैं पकने के लिए रख दूंगी। देखिए 10 टू 12 मिनट्स हो गए हैं पकते हुए। अब मैं इसमें ग्रीन अनियंस डालूंगी, इसको मैं मिक्स कर लूंगी और अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी। ये मैंने 1/2 कप वाटर लिया था और 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, मैं इसको वाटर में डालूंगी। स्लो स्लो आप ऐड करें और साथ साथ आप स्पून हिलाते जाएं। और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया और ये थिक भी हो गया। अगर आपने और थिक करना है तो आप इसमें और कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये। अब हम इसमें एग ऐड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने 2 एग्स लिए थे, इसको आप विस्क कर लें
ये देखिए अच्छे से विस्क हो गया। अब मैं इसमें स्लो स्लो करके एग डालूंगी और स्पून से हिलाती जाऊंगी। आपने स्पून को बिल्कुल तेज तेज हिलाना है ताकि ये एग्स जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। एग्स डाल के आप अच्छे से मिक्स करते जाएं ताकि इसमें लम्स ना रहें। ये देखिए सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। लास्ट में इसमें आप ब्लैक पेपर ऐड कर लें। माशाल्लाह से सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।